तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आ गया हूँ नई रेसिपी लेके आपके लिए, जो है बहुत ही मज़ेदार, हर इंडियन की पसंद, वो है समोसे। समोसे, हाँ, समोसे रेसिपी यार, क्रिस्पी और मसालेदार समोसे लेके मैं आ गया हूँ। यहाँ मैंने ले लिया मैदा, मैदा मैंने ले लिया 4 बाउल, आप अपने हिसाब से ले लो जितनी बनाने हैं। और यहाँ पर मैंने अजवाइन यूज़ किया, साथ में ऐड करा है मैंने 4 टेबल स्पून आपका क्या कहते हैं देसी घी, यूज़ कर लो चाहे रिफाइंड यूज़ कर लो, मोइन चाहिए एक तरीके से देखा जाए। अब इसको मैं हल्के हल्के पानी से गूँथ लेता हूँ आटे को। आटे को गूंदना है आराम से, इजीली सॉफ्ट हाथों से गूंद लो आटे को। आटे को गूंद के फिर इसको जो है हम रख देंगे ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए आटा। तो आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं सेट करने के लिए। तब तक आते हैं हम अपने स्टफिंग के प्रोसेस पे, जो आलू की स्टफिंग बनानी है। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल के साथ मैंने जीरा ऐड कर दिया, जीरा के साथ मैंने हींग ऐड कर देनी है। यहाँ पे आ गई है हींग, और हींग ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड करूँगा मैं आलू। बॉइल्ड पोटैटोज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और साथ में अब आएंगे मसाले। गरम मसाला ऐड कर देना है, गरम मसाले के साथ में थोड़ा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के साथ में लाल मिर्च, लाल मिर्च के साथ में आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा सॉल्ट आपके टेस्ट अकॉर्डिंग। अब इसको हम कर देंगे मिक्स, तो इसको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इस पर हम ऐड करेंगे ग्रीन पीस, यानी आपकी हरी मटर। मटर ऐड करने के बाद हरी मेथी अब इसमें ऐड कर देंगे मटर के बाद, और कस्तूरी मेथी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्की सी आपकी ग्रीन चिलीज कटी हुई, जितनी आपको स्पाइस चाहिए उतने हिसाब से आप ग्रीन चिलीज ले लो। थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, अच्छा टेस्ट आता है इससे, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, चेक करके देख लेना। और अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, हरे धनिया के साथ थोड़ा सा नींबू आधा कटा हुआ, नींबू बिल्कुल बढ़िया फ्लेवर देने वाला। तो अब स्टार्ट करते हैं दूसरा स्टेप अपना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटे की गोलियाँ, बना ली है मैंने, आपका जो मैदा था वो सेट हो चुका है। यहाँ पे बॉल्स बना लेते हैं, बॉल्स बनाने के बाद इसको बेल लेंगे। इसको थोड़ा गोल शेप देना है, गोल शेप देने के बाद जो है जैसे ही एक प्रॉपर गोल शेप ले ले, जितना बड़ा समोसा आपको बनाना है उस हिसाब से गोल शेप दे दो इसको। फिर उसके बाद बीच से इसको चाकू से हम काट देंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे इतनी बड़ी शेप मैंने ले ली है, अब मैं चाकू से बीच से काट दूंगा इस तरीके से, इस तरीके से एक और बार दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने काट दिया है, आपको इसी तरीके से काट लेना है। फिर जो है हम इस पर लगाएंगे ऊपर वाले हिस्से में पानी, सिर्फ ऊपर वाले में, और फिर दोनों ऊपर वाले कोनों को फोल्ड कर लेना है आपस में, और फिर जो है हल्के हल्के स्क्वीज करके दबा दो, हल्का हल्का दबा दो, जिससे ये चिपक जाएगा, बिकॉज पानी लगा हुआ है तो चिपक आसानी से जाएगा। तो ये हमारी पॉकेट एक तरीके से तैयार हो गई समोसे की। तो पॉकेट तैयार करने के बाद हम करेंगे इसके अंदर फिलिंग। तो पॉकेट जो है हमारी रेडी हुई है, अब चलते हैं हम फिलिंग की तरफ। फिलिंग जो है हम अपनी आलू वाली स्टफिंग इसमें भर लेंगे, बीच से इसको हल्का सा दबाएंगे, दबा के जो है हम इसको बिल्कुल पानी हल्का सा लगा के किनारों को स्क्वीज कर देंगे, और दब के फिर हम इसको चलते हैं सेकने। तो हम इसको मीडियम आंच पे पहले सेकेंगे, समोसों को अपने पड़े रहने दो, मीडियम आंच पे बनने दो, बिल्कुल तेज गैस नहीं करनी, और समोसे हमारे गोल्डन फ्राई होके तैयार हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और जाके लाइक कमेंट करो यार।